माय बेस्ट रिसोर्ट इन गोवा, ये हो गया आपका रूम व्यू, ये हो गया आपका कमरा जिसमें एक बेड है, डबल बेड है ये, और यहाँ से आपको बाहर से विंडो का वो जो इसका बालकनी व्यू है, सामने से आप स्विमिंग पूल दिखता है, काफ़ी अच्छा है, बालकनी है ये, इसकी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है और व्यू तो इतना ओसम है। और यार ये कम से कम 8-10 एकड़ में बना हुआ है और इसमें कम से कम 400 से 500 रूम्स हैं और रियल में बहुत बढ़िया है। ये सामने इसका रेस्टोरेंट है, ये 2 चेयर दे दी, पीछे बैक विंडो दे दी है इसमें, ये लाइट हो गई है और ये आपकी विंडो है, पीछे से आपको देखना है कुछ भी, मतलब व्यू के लिए है ये सारा, बेसिकली लॉक रहती है, आप नहीं खोल सकते, सिर्फ रिसेप्शन पे कॉल करके आपको खुलवानी है। ये 2 वाटर बॉटल हो गई, डेंटल किट हो गई, फ्रिज हो गया, ये इधर बाथरूम हो गया, ये आपके वार्डरोब हो गया, ऊपर एसी हो गया, चेयर हो गई, ये मेरा लगेज हो गया है, फैन हो गया है, रूम काफ़ी स्पेशियस है, करीब करीब मेरे ख्याल से ये 400 स्क्वायर फिट में रूम है। ये सामने टीवी हो गया है, ड्रॉस हो गई, टेबल हो गई और कपड़े के लिए हैंगिंग करने के लिए हो गया। और दोबारा मैं आपको बालकनी में लेके चलता हूँ, और जो बालकनी का व्यू था यार मज़े ही अलग आ गया, बालकनी का व्यू सबसे बेस्ट लगा मुझे इसका। बालकनी काफ़ी बड़ी थी, 2 चेयर डाल रखी थी, बाहर आप चाहे तो टेबल डाल सकते हैं, सामने रेस्टोरेंट से कुछ खाना वाना मंगा सकते हैं अगर कुछ खाना है आपको तो। और पूरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, और प्रॉपर्टी का नाम मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये लेक देख सकते हो आप, इसमें कम से कम 2-3 लेक थे, 3-2 इसमें स्विमिंग पूल हैं और लेक काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी काम था और काफ़ी बड़ा है, मतलब आप सोच ही सकते हो जो चीज़ 8-10 एकड़ में बनी हो यार, तो कितनी प्यारी हो, कितनी बड़ी लग रही होगी, बिग प्रॉपर्टी थी ये, मेरे ख्याल से अब तक गोवा की काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये जो मैंने देखी है। ये इसके रूम्स वगैरह हो गए, ये दूसरी साइड का रास्ता हो गया, ये शाम का टाइम इसमें लाइटिंग वगैरह जल जाती है और शाम के टाइम तो इतना ओसम लगता है ये। और आगे चल कर आपको अभी किड्स के लिए मतलब प्लेइंग एरिया भी मिल जाएगा इसमें आपको, ये देखो जैसे बच्चे वगैरह को खेलना वगैरह है तो इसमें आप यहाँ पर आ सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है ये, तो यहाँ बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, खेल सकते हैं। ये थोड़ी हैंगिंग करने के लिए जगह होगी, जैसे आपको थोड़ा टाइम पास वगैरह करना है, अपने बातें बातें करनी है शांति से बैठ करके। ये इनका रेस्टोरेंट है जो दिसंबर वगैरह में चालू होता है, यहाँ का बार मेन्यू वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। और ये आपका स्लाइडिंग में लेक के व्यू से जाते हुए, और काफ़ी प्यारा लगा मुझे ये, यहाँ बोटिंग भी कराई जाती है, जब सीज़न होता है तब बोटिंग भी कराते हैं ये लेक की, अभी फ़िलहाल बंद थी। और ये आपका थोड़ा सा लेक साइड का व्यू हो गया, फुटपाथ टाइप का, जिसमें आप वॉक वगैरह कर सकते हो, घूमना चाहो घूम सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, काफ़ी प्यारे जगह है, बहुत बढ़िया लगा। और सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये स्विमिंग पूल हो गया इसका, स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं था।